प्रदेश के हरदोई के लोनार कोतवाली क्षेत्र के बावन शारदा नहर और सराय के मध्य पटरी पर एक करीब 32 वर्षीय युवक का शव पड़ा मिला। शारदा नहर पटरी के किनारे पड़े युवक के शव को लोगों ने देखा तो लोनार पुलिस को इसके बारे में सूचना दी। सूचना पर बावन चौकी प्रभारी संजय शर्मा, प्रभारी निरीक्षक लोनार राजेश कुमार राय पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। युवक की गला घोटकर हत्या की गई थी और सर पर चोट के निशान थे। अंदेशा जताया जा रहा है कि युवक को फोन करके बुलाया गया और फिर उसकी हत्या कर दी गई। युवक के जेब से मिले आधार कार्ड से उसकी पहचान शिवनंदन सिंह मदारा बगराई थाना सांडी के रूप में हुई है। हत्या के मामले की सूचना प्रभारी निरीक्षक ने पहचान होने के बाद परिजनों को सूचना दी। सूचना पाकर परिजनों में कोहराम मच गया और वह लोग मौके पर पहुंचे। बताया कि युवक हरदोई में ही रहता था और एक निजी स्कूल बस का कंडक्टर था और मृतक का भाई ब्रिजनंदन बस ड्राइवर है। वह उसी के साथ हरिनाम सिंह कोठी में कमरा लेकर निवास करता था। बताया जा रहा है कि मृतक के फोन पर देर रात करीब शाम 8 बजे फोन आया तो वह बाहर गया और उसके 10 मिनट बाद वापस आ गया। दूसरी बार फिर फोन आने के बाद शिवनंदन दोस्तों के साथ जाने की बात कहकर कमरे से चला गया, फिर उसका पता नहीं चला। परिजनों ने हत्या कर शव फेंके जाने का आरोप लगाया है। एएसपी त्रिगुण बिसेन सीओ राकेश वशिष्ठ भी मौके पर पहुंचे। एएसपी का कहना है कि सभी बिंदुओं पर पड़ताल की जा रही है। सूचना ये हमारे गांव में प्रधान के द्वारा में सूचना दी गई कि आपके गांव का लड़का जो है वो इस समय बावन नहर पे पड़ा हुआ है। तो हम लोग को जानकारी नहीं हो पाई, हम लोग तो लड़का तो था ही यहाँ पे, तो नाम पूछने लगे तो उसका नाम बताया गया शिवनंदन जगनंदन जो भी पूछ रहे थे। तो हमने हाँ आधार कार्ड तो अपना लेकर गया है, वो आधार कार्ड लेकर आया, फिर हम लोगों को जानकारी मिली, जानकारी करते हम लोग नहर पे पहुंचे हैं। लेकिन इससे पहले मामला ये था कि वो उसके पास फोन आया था शाम को 8:30 बजे के आसपास, उसका फोन आया, वो मेजबान ढाबा पे गया, उसके बाद वो 10 मिनट बाद वापस आ गया, आने के बाद वो फिर गया है, उसके बाद 10 बजे बाद उसके बाद फोन आया फिर लड़के का दोबारा, तो मेजबान ढाबा 10 बजे गया है तो उसके बाद वो वापस नहीं आया, ये मैटर हुआ है। आपको कहाँ यह मिला? हमको ये जानकारी मिलने के बाद ये बावन नहर पे मिला। इसमें थाना लोनार क्षेत्र में जो नहर बहती है इसके किनारे एक व्यक्ति की सुबह जो है डेड बॉडी मिली थी, जिसका कि जो है जो उसके जेब में आइडेंटिफिकेशन कार्ड था तो उसके हिसाब से उसको जो है पहचाना गया कि शिवनंदन सिंह है। ये थाना सांडी का मूलतः रहने वाला था और यही शहर हरदोई में ही रह रहा था। इसकी जो चोटें हैं वो जो है गले पर है, गला दबा के इसकी हत्या करी गई है और इसके सिर पे भी एक चोट है। इसके बारे में तहकीकात की जा रही है, मुकदमा दर्ज कर दिया गया है और जल्दी इसका खुलासा किया जाएगा। प्रथम दृष्टया क्या लगता है मोबाइल कॉल डिटेल वगैरह से कैसे? देखिए मोबाइल का भी कॉल डिटेल के लिए दिया गया है, अभी कॉल डिटेल आई नहीं है, तो जैसे साक्ष्य प्राप्त होंगे तो अनुसार कार्रवाई की जाएगी। सर पूरे मामले में प्रथम दृष्टया क्या लगता है कि क्या वजह हो सकती है? अब देखिए अभी कुछ कहना जो है संभव नहीं है कि जो है जब तक कि कॉल डिटेल्स वगैरह की पूरी एनालिसिस ना कर ली जाए। क्या दोस्तों पर जो है हत्या की वजह हो सकती है? देखिए हो सकता है कि दोस्त वगैरह भी हों उसके जो है, पर मैं बताया ना कि जब तक किसी हम लोग ठोस साक्ष्य ना ले लें तब तक जो है कुछ कहना ठीक नहीं है। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।